दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 30 साल पहले अमेरिका ने एक ऐसा रेडियो टेलीस्कोप बनाया जो एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल को सर्च कर सकता था, और इस प्रोजेक्ट को सिटी नाम दिया गया। फिर हमें यूएसए गवर्नमेंट लैब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर साइंटिस्ट ने सिल नाम की एक लड़की को कांच के बॉक्स में कैद करके रखा हुआ था, और इस प्रोग्राम के हेड का नाम फिच था। फिर हम देखते हैं कि सिल को होश आता है तो उसे मारने के लिए कांच के बॉक्स में जहरीली गैस डाल दी जाती है। हालांकि इस चीज का फिच को काफी दुख होता है, तब सिल बॉक्स को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद में सोल्जर उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन सिल एक ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाती है। फिर जब वो सो रही होती है तो एक आदमी उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, इससे वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और उस आदमी को खुद से दूर फेंक कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इधर फिर जब रेलवे लाइन तक पहुंच जाता है तो उसे समझ आता है कि सिल ट्रेन की हेल्प से वहां से निकल चुकी है। फिर हम सिल को देखते हैं जो एक टाउन में पहुंचती है और वहां रखा हुआ एक आदमी का बैग चोरी करके ट्रेन में चढ़ जाती है, और फिर जब वह ट्रेन में पहुंचती है तो वहां लोकर से भी पैसे चुरा लेती है, साथ ही साथ किचन में रखी हुई खाने की चीजें भी चुरा लेती है। इधर फिच को उस आदमी की डेड बॉडी मिल जाती है जिसको सिल ने मारा था, और इस समय उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि उस छोटी बच्ची ने इतनी बुरी तरीके से इस आदमी को मारा है। लेकिन फिच बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि सिल कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वह अपने आदमियों को ढूंढने के लिए काम पर लगा देता है। इसके बाद हम सिल को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खा चुकी थी। उसी समय उसके हाथ और चेहरे पर अजीब तरह से हरकतें होने लगती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी हमें दिखाई देता है कि उसके चेहरे और शरीर से अजीब तरह के टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, जिससे सिल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फिच ने सिल को पकड़ने के लिए एक टीम बुलाई है जो किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट है। इसमें सबसे पहले हम डैन को देखते हैं, जो बताता है कि मैं लोगों की फीलिंग्स और उनके एक्ट को पहचान सकता हूं और उन्हें महसूस भी कर सकता हूं। इसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं, जो इंसान के पास्ट और प्रेजेंट को देखकर उस इंसान के बारे में अच्छे से समझ सकता था। फिर हमें लोरा के बारे में बताया जाता है, जो किसी भी इंसान के सेल के बारे में पता लगा सकती थी, जिसके बाद में सब वहां पर पहुंच जाते हैं। आखिरी मेंबर प्रेस के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि मेरे यहां होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सरकारी समस्याओं का हल निकालता हूं। जिसके बाद हम ट्रेन में टीटी को देखते हैं, जो सिल के पास पहुंचती है तो उसे वहां पर अजीब सा नेक्स्ट दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा घिनौना दिखाई दे रहा था, और वह कुछ समझ पाती उससे पहले उस नेक्स्ट के अंदर से कुछ बाहर आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर से सिल बाहर निकलती है, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, और यह बात काफी हैरान कर देने वाली थी। इधर फिच सर्च टीम के पास में पहुंचता है और उन्हें बताता है कि हम एलियन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी 1992 में उनको जवाब मिला, जिसमें उन्होंने हमें एक फ्यूल के बारे में बताया, जहां पर हमें लगा कि वे एलियंस हमसे कनेक्ट होकर हमारी मदद करना चाहते हैं। और जब दूसरी बार उन लोगों ने मैसेज भेजा तो वह एक नया डीएनए था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि हम कैसे एक डीएनए को एक इंसान के साथ मिलाकर एक नया जीव बना सकते हैं। फिर उसके बाद में फिच बताता है कि जब हम लोगों ने ऐसा ट्राई करने की कोशिश की तो हमने देखा कि वह बच्चा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि फिच ने उस बच्चे को एक लड़की बनाया, क्योंकि उसका मानना यह था कि एक लड़की को कंट्रोल करना और सिखाना बहुत ज्यादा आसान होगा। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि वह बच्ची सिर्फ एक महीने के अंदर ही काफी बड़ी दिखने लगी थी। इससे यह पता चलता है कि वह बहुत ही तेजी से अपना रूप बदल रही थी। फिर फिच उसे पकड़ने और किसी भी हालत में मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि वह इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकती है। इसके बाद जब उसका पीछा करते हुए फिच और उसकी टीम ट्रेन में पहुंचती है तो वहां पर देखते हैं कि टीटी को बहुत ही बेरहमी मार दिया गया था। इस दौरान वे लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो वह लॉस एंजेलिस में ही होगी, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पर किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वे सभी वहां पर रुक कर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। उधर सिल एक होटल में रुकती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके बाद हम फिर से फिच और उसकी टीम को देखते हैं, जो एलियन के द्वारा भेजे गए डीएनए पर रिसर्च कर रहे थे और उसे स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वे लोग सिल को समझ सके और उसे आसानी से पकड़ सके। तभी टेस्टिंग क्लास के अंदर कैमरा अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए लोरा और प्रेस उसे ठीक करने के लिए अंदर जाते हैं, और जैसे वे कैमरे को चेंज करते हैं तो पता चलता है कि वे डीएनए बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और वे एलियन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए वे लोग उस क्लास को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उसका बोल्ट नीचे गिर जाता है और यह देखकर बाहर मौजूद लोग उन्हें बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन फिच इस चीज से साफ इनकार कर देता है और वे कहता है कि मैं दरवाजा तभी खोलूंगा जब तुम बॉक्स को बंद कर दोगे। और यह सब देखते देखते एलियन काफी बड़ा हो जाता है। हालांकि प्रेस उसे जलाने की कोशिश
कोशिश करता है, फिर भी वह एलियन बच जाता है और काफी तेजी से बढ़ने लगता है, जिस वजह से बाहर मौजूद उनके दोस्त उन्हें बाहर निकाल लेते हैं और उस वक्त वह लैब पूरी तरह से जल जाती है, जिसमें वह एलियन मारा जाता है। इधर सिल अपने होटल का बिल पे करने के लिए चुराया हुआ कार्ड दे देती है, साथ ही होटल के ओनर से अपने लिए एक आदमी के बारे में पूछती है, जहाँ पर वह क्लब जाने के लिए कहता है और सिल के जाते ही होटल में फिच और उसके आदमी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वह होटल के ओनर से सिल के बारे में पूछते हैं, तब वह बताता है कि वह तो एक क्लब में गई है। इधर हम एक लेडीज को देखते हैं जिसे सिल अपने पैरों से बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद क्लब के अंदर पहुंचकर सिल एक आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और यह वही आदमी था जो बाथरूम में मौजूद लेडी के साथ था और इसी वजह से सिल ने उस लेडीज को मार दिया था ताकि वह उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जिसके बाद में वह उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब तक वहाँ पर फिच और उसके साथी भी पहुँच जाते हैं और इन लोगों को वहाँ पर मरी हुई लेडीज की डेड बॉडी मिलती है, जहाँ पर वे सिल को ढूंढने लगते हैं और उस क्लब को पूरी तरह से सील कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ही सिल उस आदमी के साथ में वहाँ से निकल जाती है और वह आदमी उसे अपने घर पर ले जाता है और जब वह आदमी सिल के करीब आने की कोशिश करता है तो सिल वहाँ से जाने की कोशिश करती है, जिस पर वह आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि सिल इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और धोखे से उस आदमी को बहुत ही बेरहमी में से मार देती है। जब फिच की टीम सिल को उस आदमी के घर पर ढूंढते हुए पहुँचते हैं जो कि अब मर चुका था, लेकिन उन सबको यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि सिल सब लोगों को क्यों मार रही है, लेकिन डैन बताता है कि वह बहुत ज्यादा डरी हुई है। साथ ही लोरा यह बात भी कहती है कि शायद वह माँ बनना चाहती है, लेकिन यह आदमी उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था क्योंकि इस आदमी को डायबिटीज था और उसने इस आदमी को इसी वजह से मारा क्योंकि यह आदमी उसके साथ में जोर जबरदस्ती कर रहा होगा। फिर फिच की टीम बात करती है तो हमें पता चलता है कि अगर सिल ने किसी खतरनाक किस्म की जाति के साथ में संबंध बना लिए तो एक अलग और खतरनाक जीव पैदा होगा जो कि हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा। अब दोस्तों इसके बाद में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सिल का एक्सीडेंट होने की वजह से एक आदमी उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका बिल भी पेमेंट करता है। तभी हम सिल को देखते हैं जिसकी लगी हुई चोट डॉक्टर को देखते देखते पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिससे वह डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद में वह आदमी सिल को अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर सिल उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, जहाँ पर वह आदमी इस बात से थोड़ा बहुत हैरान जरूर था। और उसी दौरान वहाँ पर फिच की टीम भी पहुँच जाती है और इसी वजह से सिल उस आदमी को पानी में डुबोकर बहुत बुरी तरह से मार देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह दिन पर दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। लेकिन जब फिच की टीम अंदर आती है तो वह वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद में हम सिल को देखते हैं जिसने एक लेडीज को बंदी बना रखा था, फिर वह लेडीज के सामने अपना एक अंगूठा काट देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका अंगूठा दोबारा से पहले जैसा हो जाता है, जिसके बाद में हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैन को सिल के होने का एहसास होता है, इसीलिए वह चेक करने के लिए बाहर आता है। तभी उसे सिल दिखाई देती है जिसे देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद में उसके सारे साथी वहाँ पर आकर सिल का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद में वह अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी में वह लेडीज भी मौजूद होती है जिसको उसने बांध रखा था, और देखते ही देखते वह उस गाड़ी को खाई की तरफ मोड़ लेती है और खुद गाड़ी से बाहर कूद जाती है, जिसके बाद में वह गाड़ी बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और इसी वजह से उसमें मौजूद लेडीज भी मारी जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडीज को किडनैप करके इसलिए प्रूफ करना चाहती थी कि वह मर चुकी है ताकि वह सभी उसका पीछा करना छोड़ दें। और जब उस जगह की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वहाँ पर सिल का अंगूठा मिलता है, जिससे उन सभी को यह बात प्रूफ हो जाती है कि सिल मर चुकी है। और वहाँ पर उन सभी लोगों को छोड़कर प्रेस को ऐसा लग रहा था कि सिल इतनी आसानी से नहीं मर सकती। फिर जब प्रेस लोरा के रूम में जा रहा होता है तभी लिफ्ट में सिल पहुँच जाती है, जिसने अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर लिया था, जिससे वह उसे पहचान नहीं पाता। फिर प्रेस लोरा के पास में पहुँचता है तो उसे सुनने के लिए सिल दूसरे रूम में पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर स्टीवन आ जाता है जिसे देखकर वह काफी हैरान होती है, लेकिन इससे पहले वह उससे कुछ कह पाता वह उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, जिसके बाद में उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और वह इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। हालांकि सिल के आसपास होने की वजह से डैन को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वह इस बारे में प्रेस को बताता है और उनका रूम चेक करने के लिए कहता है। इधर हम उन दोनों को देखते हैं जहां सिल के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी बॉडी में अजीब तरह के बदलाव हो रहे होते हैं, जिस वजह से वह काफी खुश दिखाई दे रही थी। तभी स्टीवन को एहसास होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सिल है, लेकिन वह यहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता इससे पहले सिल उसे मार कर वहां से भाग जाती है और यह देखकर पूरी टीम उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन वह वहां से बचकर निकल जाती है। लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है कि वह बेसमेंट की तरफ गई है, इसलिए वे लोग उसे फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर जब फिच अकेला होता है तो उसे पानी में किसी चीज का एहसास होने लगता है, लेकिन उससे पहले सिल उस पर अटैक करके उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है, और इसी चीज से बाकी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी सिल को डिलीवरी पेन होने लगता है और वह फिर एक एलियन बेबी
बार्बी को जन्म देती है और जन्म देते वक्त वह खुद भी पूरी तरह से एलियन के रूप में ढल चुकी थी। फिर हम सिल के बेटे को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जो कि अपनी जीभ से एक चूहे को खींचकर खा जाता है। और तभी वहाँ पर डैन भी पहुँच जाता है जो उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर भी अपनी जीभ से अटैक कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर डैन की चीख सुनकर लोरा उसके पास पहुँचने की कोशिश करती है लेकिन वह फंस जाती है। उसी समय वह लड़का पूरी तरह एलियन में बदल जाता है जो दिखने में काफी ज्यादा घिनौना दिख रहा था। इसके बाद में फिर से डैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन डैन उसे अपनी फायर गन मशीन से जला देता है। हालांकि इस दौरान डैन भी वहीं पर लटक जाता है और अपने बेटे को इस तरह जलता हुआ देखकर सिल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद में डैन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। इसके बाद में प्रेस उसे बचाने की कोशिश करता है तो वह उस पर भी अटैक कर देती है और उसके गले में अपने टेंटिकल्स को फंसा देती है, लेकिन प्रेस अपने पास रखे एक चाकू से टेंटिकल्स को काट कर खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद में सिल उस पर दोबारा से अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेस उसे लगातार अपनी गन से शूट करने लगता है जिस वजह से वह भी आग के अंदर गिर जाती है। और उसके बाद में वे सभी लोग डैन को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन सिल उसका पैर पकड़ लेती है, इसीलिए प्रेस उसे शॉर्ट गन से शूट कर देता है और डैन को बचा लेता है, जिसके बाद में तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है जैसे सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद चूहा सेल के टेंटिकल्स को खाने लगता है, जिसके बाद में वह खुद भी एक एलियन में बदल जाता है और अपने साथी चूहे को बहुत बुरी तरह से मारकर खा जाता है, जिसके बाद में दोस्तों यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी के और भी पार्ट्स देखने हैं या नहीं। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।